नमस्कार साथियों अनकेडमी पर मैं अभय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और आज रीजनिंग के टॉपिक्स की श्रृंखला में आज हम डाइस यानी पासा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं डाइस मतलब पासा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हमारा आता है हम कांस्टेबल से लेके अगर यूपीएससी तक जाते हैं तो हमको हर एग्ज़ाम में इसका एक क्वेश्चन मिलता ही है और जैसे जैसे एग्ज़ाम का स्तर बढ़ता है पासे में भी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाता है तो पासे को हम बिल्कुल जीरो से लेके टॉप तक जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं हम सभी पढ़ने जा रहे हैं और ये जो चैप्टर है ये लगभग तीन वीडियोज़ में पूरा होगा बहुत अच्छा है टेक्निकल चैप्टर है ध्यान से पढ़िए और शुरू से अंत तक इसको आप देखेंगे तो पासे के जितने भी कन्फ्यूजन्स होते हैं वो मैं आपके पूरे दूर कर दूंगा और सारे टाइप्स को बहुत ही डिटेल में बड़े आराम से हम चीज़ों को पढ़ेंगे ठीक है तो सबसे पहले साथियों हम देखें कि पासा होता क्या है पासे का मतलब होता है घन जिसको हम क्यूब बोलते हैं तो क्यूब का ही एक रूप होता है पासा ठीक है जिसकी हर सतह समान होती है पासे पर छह सतह होती हैं और छह की छह सतह समान होती हैं कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसे पासे भी बनते हैं जहां पर आमने सामने की सतह तो समान होती हैं लेकिन आजू बाजू की सतह अलग साइज की भी हो सकती हैं लेकिन सामान्यतः है हम जो पासा पढ़ेंगे हमें जो पासे के क्वेश्चन मिलेंगे उनकी सभी सतहें समान होती हैं ठीक है तो पासा आप बचपन में लूडो सांप सीढ़ी आप खेले होंगे तो लूडो और सांपसीड़ी में भी जो पासे का हम यूज करते थे फेंकने के लिए वही हमारा पासा है जिसकी हर सतह पर एक से लेकर कर छः तक के अंक लिखे होते हैं कभी कभी पासे पर एक से लेकर छः तक के अंक की जगह अल्फाबेट्स ए बी सी डी ई e, एफ भी लिखे आपको मिल सकते हैं तो दोनों ही प्रकार के पासे के प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो बेटा पासा क्या होता है सबसे पहले अगर हम पासे को समझने की कोशिश करें तो पासा बेटा इस तरह की एक आकृति होती है पासा एक इस तरह की आकृति होती है ठीक है देखो इस पासे में हमको तीन सतह नज़र आ रही हैं इस पासे में हमको केवल तीन सतह नज़र आ रही हैं लेकिन मैं बेटा पासे को ऐसे बनाऊँ पासे को अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो आपको पासे की आपको पासे की कितनी सतह नज़र आएंगी छः की छह सतह नजर आएंगी। ऐसी स्थिति में पासे की आपको पासे में छः की छः सतह नज़र आएंगी ठीक है नॉर्मली क्वेश्चन में आपको इस तरह का पासा दिया जाएगा लेकिन पासे को अगर हम डिटेल देखें तो बेटा पासा हमारा इस प्रकार का होता है इसमें आप देखिए इसमें आमने सामने की सतह को हम विपरीत सतह बोलते हैं आमने सामने की सतह को विपरीत सतह बोलते हैं और हर सतह से चार सतह जुड़ी हुई होती हैं जैसे बेटा हम इस, इस सतह की बात करें हम इस सतह की बात करें ये पूरी सतह जो है जो फ्रंट सरफेस हम जिसको बोलते हैं इसकी बात करें बेटा इससे एक ऊपर वाली सतह जुड़ी होती है इससे आप देखो बेटा एक सतह ये जुड़ी होती है ठीक है एक इसके अपोजिट है अपोजिट की सतह अलग हो गई अगर जुड़ी हुई सतह की बात करेंगे तो बेटा एक सतह ये हो गई एक सतह ये हो गई एक हमारी नीचे वाली सतह हो गई और एक हमारी साइड वाली सतह हो गई ठीक है तो पासे में आप ध्यान रखिए कि हर पासे में हर पासे में क्या होता है जो सतह होती है उससे जुड़ी हुई चार सतह होती हैं, जिसको हम बोलते हैं संलग्न सतह या mm. एडजेसेंट सरफेस जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट सरफेस ठीक है और एक सतह यह है और इससे जुड़ी हुई चार सतह हमारी हो गई और एक सतह होती है विपरीत सतह ठीक है तो हर सतह की एक विपरीत सतह होती है हर सतह की एक विपरीत सतह होती है और हर सतह से जुड़ी हुई चार सतह होती हैं ठीक है और अगर हम देखें इस पासे की बात करें तो बेटा ये भी एक पासा है ये वही पासा है इसको बनाने का प्रकार अलग हो गया बेटा इसमें तीन सतह नज़र आ रही है एक तो हमको ये सतह नज़र आ रही है तो इसके अपोजिट वाली सतह नज़र नहीं आ रही इसको हम फ्रंट सरफेस बोल देंगे एक बेटा ये अपर सरफेस नज़र आ रही है ये अपर सरफेस है तो इसके विपरीत क्या होगी नीचे वाली सतह होगी हमको वो नज़र नहीं आ रही और बेटा ये हमारी एक साइड सरफेस है और साइड सरफेस है तो इसके अपोजिट वाली हमारी लेफ्ट वाली जो सतह है वो हमको नज़र नहीं आ रही तो अगर हम इस तरह का पासा बनाते हैं तो हमको विपरीत सतह कभी नज़र नहीं आएगी है ना हमको केवल तीन सतह ही नज़र आएंगी तो बेटा दिमाग में बैठा लो कि किसी भी पासे को देखने पर किसी भी एंगल से किसी भी पासे को देखने पर हमको उसकी तीन सतह ही नज़र आ सकती हैं और विपरीत वाली सतह नज़र नहीं आ सकती याद रखना उसके विपरीत वाली सतह हमको नज़र नहीं आ सकती हम क्या करते हैं कि हर पासे की सतह पर एक दो तीन चार पाँच छः अंक हम लिख देते हैं एक से लेकर छत अंक के अंक लिख देते हैं तो याद रखिए अगर बेटा ये फ्रंट सतह पर जो अंक लिखा है वो तो हमको दिखेगा लेकिन इसके अपोजिट वाली सतह हमको दिखाई नहीं देगी तो विपरीत सतह पर कौन सा अंक लिखा है वो हमको नज़र नहीं आएगा तो एक छोटी सी बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये मैं आगे भी कई बार बोलूँगा आप समझ लेना कि विपरीत सतह एक साथ नज़र नहीं आती विपरीत सतह एक साथ नज़र नहीं आती ना ही विपरीत सतह एक साथ छुप सकती हैं है ना ना ही वो गायब होती हैं तो जो विपरीत सतह होती हैं वो ना तो एक साथ बेटा गायब हो सकती हैं ना ही वो एक साथ देख सकती हैं तो विपरीत सतह में से सदैव एक सतह हमको नजर आएगी और एक नज़र हमको नहीं आएगी तो ये तो पासे के बारे में बेटा मैंने आपको सामान्य जानकारी बताई अब होता क्या है कि पासे पर दो प्रकार के पासे होते हैं होता क्या है हमारे पासे कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं हमारे पासे दो प्रकार के होते हैं तो बेटा एक तो मानक पासा होता है एक क्या होता है मानक पासा। एक होता है हमारा मानक पासा। ठीक है तो बेटा एक होता है हमारा मानक पासा। मानक पासा और एक होता है स्टैंडर्ड इसको हम स्टैंडर्डाइज बोलते हैं मानक पासा एक होता है मानक पासा और एक होता है बेटा सामान्य पासा एक होता है सामान्य पासा तो पासे की शुरुआत जब हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको जो पता होना चाहिए वो ये होता है कि मानक पासा क्या होता है और सामान्य पासा क्या होता है सामान्य पासा यानी जनरल पासा और मानक पासा मतलब स्टैंडर्डाइज स्टैंडर्ड डाइस और एक बेटा जनरल डाइस होता है सामान्य पासा यानी कि जनरल डाइस जनरल डाइस ठीक है तो दो प्रकार के पासे होते हैं एक स्टैंडर्ड डाइस और एक हमारा जनरल डाइस यानी नॉर्मल डाइस ऑर्डनरी डाइस सामान्य पासा तो इस चैप्टर की शुरुआत करते समय हमको ये पता होना चाहिए कि बेटा मानक पासा क्या होता है और स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है तो सबसे पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मानक पासा क्या है और सामान्य पासा क्या है तो बेटा मानक पासा क्या होता है वो हम समझने की कोशिश करें तो मानक पासा वो होता है जिसके अपोजिट सरफेस के नंबर्स का टोटल सेवन हो याद रखना बेटा मानक पासा वो होता है जिसके अपोजिट सरफेस का टोटल कितना हो दस हो जैसे एक अगर एक सतह पर लिखा है तो इसकी विपरीत सतह पर क्या लिखा होना चाहिए छः एक के अपोजिट क्या होना चाहिए छः अगर किसी सतह पर दो लिखा है तो उसके विपरीत सतह पर अगर पाँच लिखा है तो वो मानक पासा कहलाएगा या किसी सतह पर तीन लिखा है तो उसके विपरीत सतह पर यदि चार लिखा है तो वो क्या कहलाएगा मानक पासा कहलाएगा आप देखिए विपरीत सतह के अंकों का योग एक और छः सात दो और पाँच सात तीन और चार सात जब अपोजिट सरफेस के नंबर्स का टोटल सेवन हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम मानक पासा बोलते हैं ना एक दिमाग में बैठा लीजिए मानक पासा क्या होता है सामान्य पासा क्या होता है फिर इसको नोमारेगल के माध्यम से हम समझेंगे ठीक है तो जब बेटा विपरीत फलकों के अंकों का योग साथ हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं मानक पासा और जब ऐसा नहीं हो तो वो क्या कहलाता है सामान्य पासा तो बेटा मानक पासा क्या होता है आप समझ गए जब विपरीत फलकों के अंकों का योग अपोजिट सरफेस के नंबर्स का टोटल सेवन हो तब वो क्या कहलाता है मानक पासा कहलाता है, है ना जैसे बेटा बात करें हम जैसे हमारा ये है जैसे अगर हमारा ये पासा हम ले लें अगर इस पासे की बात करें तो बेटा अगर इस वाली सरफेस पर छः लिखा है तो इसके अपोजिट सरफेस पर क्या लिखा होना चाहिए एक छः के अपोजिट क्या हो गया एक तो ये क्या कैसा पासा कहलाएगा ये कहलाएगा स्टैंडर्डाइज या बेटा इस सरफेस पर दो लिखा है तो इसके अपोजिट इस वाली सरफेस पर क्या लिखा होना चाहिए पाँच लिखा होना चाहिए तो पाँच के अपोजिट क्या हो गया दो इसी प्रकार यदि बेटा पीछे वाली जो सरफेस है इस पर अगर हम चार लिख देते हैं तो इस पूरी सरफेस पर क्या लिखा होना चाहिए तीन तो तीन चार के अपोजिट क्या हो जाएगा तीन तो चारों तीन सात हो गया बेटा बात समझे तो छः के अपोजिट एक होना चाहिए पाँच के अपोजिट दो और चार के अपोजिट तीन ऐसी स्थिति में जो पासे होते हैं जो डाइस होते हैं वो क्या कहलाते हैं वो मानक पासे कहलाते हैं ठीक है तो बेटा सबसे पहले तो हमको यही समझना है कि क्या होता है हमारा मानक पासा और क्या होता है हमारा सामान्य पासा ठीक है तो मानक पासा क्या होता है बेटा आपको समझ में आ गया विपरीत सतह के अंकों का योग साथ है तो मानक पासा जैसे एग्जाम्पल के लिए हम जिस रूम में पढ़ रहे हैं वो भी एक तरह का डाइस है है ना हम जिस रूम में पढ़ रहे हैं वो भी एक तरह का डाइस है जैसे मैं जिस स्टूडियो रूम में पढ़ा रहा हूँ वो भी एक डाइस है तो अगर इस तरफ की दीवार पर पाँच लिखा है तो बेटा इस तरफ की दीवार पर क्या लिखा होना चाहिए दो अगर बेटा जो मेरा जो पैनल है ये जो बोर्ड है इस पर अगर दो लिखा है तो इसके अपोजिट जहाँ कैमरा लगा हुआ है वहाँ कितना होना चाहिए पाँच होना चाहिए अगर बेटा छत पे एक है तो नीचे फर्श पर क्या होना चाहिए छः होना चाहिए एक छः पाँच दो तीन और चार तो बेटा ये स्थिति जो कहलाती है ये कहलाती है हमारे सामान्य पासे की स्थिति अब मानक पासा आप समझ गए अब बेटा मानक पासा है विपरीत फलकों के अंकों अपोजिट सरफेस के नंबर्स का टोटल सेवन तो सामान्य पासा क्या होगा तो भाई सीधा सीधा है जो हमारा स्टैंडर्डाइज नहीं है जो हमारा स्टैंडर्डाइज नहीं है जो पासा मानक नहीं है तो वो बेटा वो कैसा होगा वो साधारण पासा होगा वो सामान्य पासा होगा वो ऑर्डनरी डाइस होगा वो जनरल डाइस होगा ठीक है बेटा तो यदि ऐसी स्थिति नहीं है तो फिर क्या होगा हमारा पासा कैसा होगा सामान्य जैसे बेटा एक के अपोजिट चार आ जाए दो के अपोजिट मान लो बेटा छः आ जाए और तीन के अपोजिट क्या आ जाए पाँच आ जाए तो बेटा ये क्या पासा माना कहलाएगा नहीं कहलाएगा क्योंकि इसके अपोजिट सरफेस का टोटल सात नहीं है टोटल बेटा यहाँ टोटल सात नहीं है यहाँ पे टोटल जो है वो सेवन नहीं है तो ये ऑर्डनरी डाइस हो गया बेटा यहाँ अपोजिट सरफेस के डिजिट्स का टोटल सेवन है तो ये हमारा क्या हो गया ये स्टैंडर्ड डाइस हो गया और ये नॉर्मल डाइस हो गया क्लियर है बेटा चलो एकदम क्लियर चलो अब बेटा आगे इसको हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि मानक पासा और सामान्य पासे पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं ठीक है तो डाइस की शुरुआत हमारी स्टैंडर्ड और नॉर्मल डाइस से हो रही है तो शुरुआत के क्वेश्चंस भी हमारे कैसे होने चाहिए स्टैंडर्ड और नॉर्मल डाइस के ही होना चाहिए तो बेटा शुरुआत के क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ वो स्टैंडर्ड और नॉर्मल डाइस के ही हैं तो इसको समझने का बेटा थोड़ा कोशिश करते हैं इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं ठीक है अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और बताना है बेटा उसका आंसर क्या होगा ये मैं चार पास आपके लिए बना रहा हूँ और आपको बताना है इसमें बेटा आंसर क्या होंगे तो ये मैंने पास से बना दिए अभी आपको क्वेश्चंस में परसों की क्लास में दूंगा। इसके बाद जो एक क्लास और होगी बेसिक कंसेप्ट की हमारी क्लास होंगी बेसिक कन्सेप्ट की हमारी तीन क्लास होंगी उसके बाद हम प्रैक्टिस पर आएंगे। बेटा मान लो कि यहाँ पे लिखा है एक यहाँ पे लिखा है एक यहाँ लिखा है छः और यहाँ लिखा है दो ठीक है बेटा ये लिखा है तीन ये लिखा है पाँच और ये लिखा है चार फिर लिखा है एक तीन और पाँच और फिर लिखा है दो चार और पाँच बेटा ये चार पासे आपको दिए गए हैं ये चार पासे आपको दिए गए ये पहला ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा और प्रश्न हमारा ये है कि इनमें से मानक पासा कौन सा है मानक यानी स्टैंडर्ड मानक पासा मानक पासा इस्टैंडर्डाइज कौन सा है हमको बताना है बेटा इसमें से मानक पासा कौन सा है हमारा पहला क्वेश्चन है आज का इसमें से मानक पासा कौन सा है ठीक है बेटा अब देखना इसमें आप मानक और सामान्य स्टैंडर्ड और नॉर्मल डाइस के बीच डिफरेंस करना मैं आपको सिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल तरीके से बेटा क्या ये पहला वाला हमारा डाइस हो सकता है सोचने की बात है क्या ये पहला वाला जो हमारा ये डाइस हो सकता है देखो स्टैंडर्डाइज क्या होता है जहां अपोजिट सरफेस के नंबर्स का टोटल सात हो ठीक है जैसे यहाँ छह लिखा है तो इसके अपोजिट क्या होना चाहिए एक होना चाहिए लेकिन बेटा इस पास में देखना कि सात और जुड़ी हुई फलक पर ही एक लिखा हुआ है जुड़े हुए फलक पर एक लिखा हुआ सतह पर एक है तो इसका मतलब बेटा छह के अपोजिट एक तो नहीं हो सकता अगर छह के संलग्न सतह पर एट सरफेस पर अगर एक लिखा है तो इसका मतलब छ के अपोजिट बेटा एक नहीं हो सकता तो इसको देख के आ रहा है कि छः के अपोजिट एक नहीं हो सकता छ से जुड़ी हुई सतह पर अगर एक लिखा है तो बेटा एक को तो एक ही बार लिखेंगे ऐसा नहीं है कि हम एक को एक से अधिक पर सरफेस पर लिख दें तो एक हमारा छः से जुड़ी हुई सतह पर लिखा है तो छ के विपरीत फलक पर एक नहीं हो सकता तो बेटा जब तक छः के विपरीत फलक पर एक नहीं होगा तब तक वो पासा मानक नहीं कहला पाएगा तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला पासा है बेटा ये तो मानक पासा नहीं है ठीक है तो बेटा एक तरह से आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि सामान्य पासा की एक नई परिभाषा यहाँ से निकलती है यदि जुड़ी हुई सतह के अंकों का योग साथ हो गया तो वो पासा सामान्य हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि जुड़ी हुई सतह के अंकों का योग अगर साथ है तो फिर उस पासे में विपरीत सतह के अंकों का योग साथ नहीं हो सकता जब बेटा इस सतह पर छः लिखा है उस पर एक लिखा है तो इसके अपोजिट तो एक हो नहीं सकता तो याद रखना जब जुड़ी हुई सतह के अंकों का योग बेटा साथ हो जाता है तो फिर विपरीत सतह के अंकों का योग साथ हो नहीं सकता इसीलिए ऐसे पासे मानक पासे नहीं होंगे आसन्न फलकों के अंकों का योग साथ हो गया तो वो पासा मानक नहीं होगा ये पासा कैसा होगा बेटा सामान्य पासा तो ये पासा कैसा हो गया बेटा ये पासा तो सामान्य पासा हो गया ये पासा कैसा हो गया सामान्य पासा हो गया ठीक है तो पहला बेटा हमको बताना क्या है स्टैंडर्ड डाइस कौन सा है मानक पासा कौन सा है तो बेटा जो पहला पासा ये कैसा हो गया सामान्य पासा हो गया बेटा यही कहानी हमको दूसरे पासे में नजर आ रही है देखो तीन और चार तीन और चार बेटा अपोजिट सरफेस पर होने चाहिए थे लेकिन ये तो जुड़ी हुई सतह पर हैं तब बेटा ये जुड़ी हुई सतह के अंकों का योग साथ हो गया तो फिर चार के विपरीत तीन नहीं हो सकता और चार के विपरीत तीन नहीं है तो ये मानक पासा नहीं है तो बेटा इसका मतलब ये पासा भी कैसा हो गया ये पासा भी सामान्य पासा हो गया ये भी बेटा क्या हो गया जनरल डाइस हो गया हमारा ये भी, भी हमारा ऑर्डनरी डाइस हो गया क्लियर है बेटा तो जब जुड़ी हुई सतह के अंकों का योग साथ हो जाए तो वो पासा कैसा हो जाता है वो साधारण पासा हो जाता है और विपरीत फलक के अंकों का योग साथ हो जाए तो वो पासा कैसा हो जाता है स्टैंडर्ड डाइस हो जाता है मानक पासा हो जाता है तीसरे में आ जाओ बेटा अच्छा चौथे में आ जाओ पहले बेटा यहाँ भी देखो दो और पाँच सात तो जुड़ी हुई सतह के अंकों का योग साथ हो गया इसका मतलब बेटा पाँच के विपरीत दो नहीं आ सकता इसका मतलब क्या हुआ कि ये जुड़ी हुई सतह के अंकों का योग साथ है इसलिए बेटा ये पासा भी कैसा होगा ये पासा भी सामान्य पासा होगा ये पासा भी कैसा होगा सामान्य पासा लेकिन सी ऑप्शन में देखो ऐसा है कहीं भी जुड़ी हुई सतह के अंकों का योग सात नज़र नहीं आ रहा तो बेटा प्रथम दृष्टि में ये जो पासा है ये मानक प्रतीत होता है ये स्टैंडर्ड डाइस हमको नज़र आ रहा है तो बेटा फिर हम क्या बोलेंगे जो सी वाला पासा है ये हमारा मानक पासा है ठीक है तो शुरुआत के जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनका पर्पज बेटा केवल इतना है उनका पर्पज केवल इतना है कि हमको ये पता लगे कि सामान्य पासे क्या हैं और मानक पासे क्या हैं तो उम्मीद करता हूं कि मानक पासा और सामान्य पासे में क्या फर्क है ये आपको समझ में आ गया होगा आगे भी देखते हैं हम आगे भी देखते हैं बेटा आगे भी देखते हैं तो बेटा अब हमको बताना है कि जो पासे में बना रहा हूं उसमें मानक पासा नहीं है निम्न में से कौन निम्न में से कौन निम्न में से कौन में से कौन कौन मानक मानक पासा मानक पासा नहीं है इस बार हमको क्या बताना है कि जो मैं चार पासे आपको दे रहा हूं इसमें से स्टैंडरडाइज कौन सा नहीं है ठीक है बेटा स्टैंडरडाइज कौन सा नहीं है बेटा देखो इसमें हम पासा बनाते हैं चलिए एक पासा हमने ये बनाया थोड़ा पासा बनाने में समय लगता है चलिए तो हमने दूसरा पासा भी तैयार कर लिया चलिए तो एक दो पासे और बना लें ठीक तो बेटा हमने चार पासे बना लिए ये हमारा ए पासा है ये हमारा बी ये हमारा सी और ये हमारा डी अब आप ध्यान से देखिए बेटा क्या होगा जैसे मैं इस पर नंबर डाल देता हूँ इस पर दो डाल दिया इस पर छः डाल दिया इस पर तीन डाल दिया इस पर बेटा एक डाल दिया इस पर पाँच इस पर चार डाल दिया फिर हमने इस पर एक इस पर पाँच और इस पर तीन डाल दिया और इस पर दो इस पर तीन और इस पर चार डाल दिया तो ये चार पासे आपको नज़र आ रहे हैं ये चार पासे आपको नज़र आ रहे हैं लेकिन आपको बताना क्या है कि कौन सा स्टैंडर्डाइज नहीं है कौन सा स्टैंडर्डाइज नहीं है तो बेटा स्टैंडर्डाइज क्या होता है भाई हमको सामान्य पासा और मानक पास का अंतर समझ में आ गया यदि आसन्न फल गए यानी जुड़ी हुई सतह के अंकों का योग सात हो गया तो सामान्य होगा तो बेटा यहाँ देखो कि जुड़ी हुई सतह के अंकों का योग कहाँ पर आ रहा है अगर हम देखें यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे तो बेटा तीन और चार का जोड़ कितना हो गया सात हो गया चलो तो बेटा बाकी हमें कहीं भी टोटल सात नजर आ रहा है तीन दो पाँच नौ आठ एक चार पाँच चार नौ पाँच एक छः एक तीन चार पाँच तीन आठ पाँच और एक छः तो बेटा ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन ये तो मानक पासे हैं ये तो हमको प्रथम दृष्टि में मानक पासे नजर आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं क्योंकि यहाँ आसन्न यानी कि जुड़ी हुई सतह के अंकों का योग हमको साथ नज़र नहीं मिला लेकिन डी ऑप्शन में कन्फर्म हो गया कि जुड़ी हुई सतह के अंकों का योग साथ है तो बेटा ये कुछ भी हो जाए ये तो मानक पासा नहीं हो सकता ये पासा कैसा है सामान्य पासा है ये पासा कैसा है सामान्य पासा है बाकी ए बी सी मानक हो सकते हैं बाकी ए बी सी मानक हो सकते हैं क्यों हो सकते हैं तो क्योंकि जुड़ी हुई सतह के अंकों का योग सात नहीं है ठीक है तो इस ये कन्फर्म है इनके बारे में ये हो सकते हैं मानक लेकिन इसका कन्फर्म है कि ये मानक नहीं हो सकता तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डी ठीक है इसका आंसर हो जाएगा डी तो बेटा आपको क्लियर हुआ कि मानक पासा और सामान्य पासा क्या होता है तो मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि ऐसे पासे जहाँ विपरीत सतह के अंकों का योग साथ हो ऐसे पासे जहाँ विपरीत सतह के अंकों का योग साथ हो वो कहलाते हैं स्टैंडर्ड यानी मानक पासे और जहाँ जुड़ी हुई सतह के अंकों का योग साथ मिल जाए वो निश्चित रूप से क्या कहलाते हैं वो सामान्य पासे कहलाते हैं ठीक है थीके? तो मानक पासा क्या होता है और सामान्य पासा क्या होता है बेटा अभी हमने इसकी जानकारी ली ठीक है अब आप ये देखो कि जो एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं बेटा वो कैसे कैसे बनते हैं बेटा एक पासे का भी प्रश्न आता है एक पासे का भी प्रश्न आता है तो हम एक पासे के प्रश्न को भी देखेंगे है ना दूसरा बेटा दो पासे के भी क्वेश्चन आते हैं दो पासे एग्जाम में दे दिए जाएंगे तो उसके भी हम क्वेश्चन देखेंगे बेटा और तीसरा दो से अधिक पासे दो से अधिक पासे दो से अधिक पासे के भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं ठीक है तो अच्छा ये जो प्रश्न है बेटा बंद पासे के ये कैसे हैं? बंद पासे के बंद पासा यानी कि क्लोज डाइस बोलते हैं इसको ये क्या है बेटा बंद पासा बंद पासा यानी कि क्लोज डाइस क्लोज डाइस बेटा ये क्लोज डाइज है ठीक है फिर होता है बेटा ओपन डाइस, फिर क्या होता है ओपन डाइस ओपन डाइस यानी कि खुला पासा खुला पासा तो आप इस चैप्टर में दो तरह के प्रश्न को देखने जा रहे हैं है ना एक तो बेटा बंद पासा यानी क्लोज डाइस के और दूसरा ओपन डाइस के ठीक है तो इस चैप्टर के दो हिस्से हैं मैं आपको बता दूं एक होता है खुले बंद पासे का क्लोज डाइस का क्वेश्चन है ना और एक होता है ओपन डाइस का क्वेश्चन है ना दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं तो अभी हम आज बंद पासे को देख रहे हैं और कोशिश करेंगे बंद पासे के क्वेश्चन एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है दो वीडियो बन जाएंगे तो बंद पासा जो होता है बेटा क्या होता है उसमें एक पासे का प्रश्न बनता है दो पासे का भी बनता है और दो से अधिक पासे का भी क्वेश्चन बनता है और इसको हमें पढ़ना सीखना है कि एक पासे का अंक एक पासा है तो उसको कैसे पढ़ेंगे दो पासे हैं तो उसको कैसे पढ़ेंगे और दो से अधिक पासे हैं तो उनको कैसे पढ़ेंगे ठीक है फिर ओपन डाइस के लिए अलग टेक्निक्स हैं वो जब ओपन डाइस शुरू होगा तो हम उसको देखेंगे तो फिलहाल हम बारी बारी से पढ़ने वाले हैं पहले एक पासा फिर दो पासा और फिर दो से अधिक पासा तो बेटा एक पासे की बात करें हम एक पासा हम बात कर रहे हैं क्लोज डाइस में एक पासे का हम बात कर रहे हैं क्लोज डाइस में एक पासा एक पासे की बेटा कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं ठीक है चलो तो बेटा इसमें दो तरह की स्थिति दी जाती हैं दो तरह की स्थिति दी जाती हैं और उसमें बेटा एक तो होता है हमारा मानक और एक अमानक चलो तो क्वेश्चन तो के हिसाब से समझते हैं बेटा अगर इसमें क्वेश्चन हो अगर इसमें क्वेश्चन ऐसा हो कि जैसे मैंने एक पासा ये बना दिया मैंने एक ये पासा बना दिया ठीक है एक पासा बना दिया और इस पर लिख दिया एक तीन पाँच क्या लिख दिया एक तीन पाँच और बेटा प्रश्न क्या है कि तीन के विपरीत क्या होगा प्रश्न है आपका तीन के विपरीत क्या होगा तीन के विपरीत अपोजिट तीन के विपरीत क्या होगा तीन के विपरीत क्या होगा ये हमारा प्रश्न है ठीक है ऑप्शन लिखना बेटा बहुत जरूरी है बिना ऑप्शन के कंफ्यूजन होंगे तो बेटा ऑप्शन है चार छ दो पांच चार छ दो और पांच चार छ दो और पांच तो बेटा एक के विपरीत क्या होगा तो जब एक ही पासा दिया जाए तो हमको यह देखना होगा कि यह पासा सामान्य है या मानक है नॉर्मल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है तो बेटा प्रथम दृष्टि में पहली नजर में ये पासा आपको कैसा नजर आ रहा है भाई आसन्न फलकों के जुड़ी हुई फलकों के अंकों का योग कहीं से सात नजर आ रहा है नहीं आ रहा तो तीन और एक चार पांच और एक छः और तीन और पांच आठ तो बेटा किसी भी सतह को जोड़ने पर हमको साथ नहीं मिल रहा इसका पासा इसका मतलब बेटा हो सकता है हो सकता तो है तो याद रखिए मैं ये नहीं कह रहा है मैं कह रहा हूं हो सकता है कि ये पासा क्या हो मानक हो तो सामान्य तो नहीं दिख रहा हमको जुड़ी हुई सतह के अंकों का योग हमको साथ तो नजर नहीं आ रहा तो मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है कि ये पासा हमारा क्या हो मानक हो अच्छा ऑप्शंस में भी हमको एक एक चॉइस दी गई है तो बेटा हमको बताना है तीन के विपरीत हो ये तो मैं क्या लिख रहा हूं हो सकता है कि यह पासा हो सकता है हो सकता है यह पासा कैसा हो मानक हो मानक हो ठीक है मानक हो बेटा अगर ये मानक है तो बेटा तीन के अपोजिट क्या होना चाहिए तीन के अपोजिट होना चाहिए चार तभी तो इनका टोटल सेवन आएगा तो बेटा तीन के अपोजिट चार के हिसाब से बेटा इसका आंसर क्या हो गया इसका आंसर हो गया ऑप्शन राइट ऑप्शन क्लियर है बेटा तो अगर सिंगल पासे का क्वेश्चन है तो हमको देखना पड़ता है कि दिया गया पासा हमारा सामान्य पासा है या मानक पासा है तो बेटा ये तो हमको मानक नज़र आ रहा है तो मानक के आधार पर हम क्या बोल सकते हैं कि तीन के अपोजिट होना चाहिए चार वो कहते हैं एक के अपोजिट क्या होगा तो हम बोलते छः वो कहते हैं पाँच के अपोजिट क्या होगा तो हम क्या बोलते हैं दो विपरीत सतह के अंकों का योग क्या होना चाहिए सात होना चाहिए ठीक चलो बेटा इसी में अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लिख दूँ इसी में अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लिख दूँ कि मैं एक पासा बना देता हूँ पहले मैं एक पासा बना देता हूँ ये मैंने एक पासा बना दिया और इस पे लिख दिया दो तीन चार दो तीन चार और प्रश्न हमारा है कि चार के चार के विपरीत चार के विपरीत क्या होगा चार के विपरीत क्या होगा चार के अपोजिट क्या होगा ये हमको बताना है चार के अपोजिट क्या होगा और बेटा ऑप्शन बहुत ज़रूरी हैं ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन है एक या पाँच एक या पाँच बी ऑप्शन आपको दिया गया है तीन दो पाँच तीन दो पाँच और बेटा तीसरा ऑप्शन दिया है एक पाँच छ एक पाँच छ और चौथा ऑप्शन दिया है दो तीन छ दो तीन ठीक है अब आप क्या करोगे अभी हम एक पासे को पढ़ रहे हैं और मेरा पूरा फोकस इस बात पर रहेगा कि आपके कंसेप्ट जितना डीपली क्लियर हो उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके सारे कन्फ्यूजन्स को मैं निकाल दूंगा धीरे धीरे बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे और सारे कन्फ्यूजन्स को हम निकाल देंगे ठीक है बेटा सारे कन्फ्यूजन्स को हमको निकाल देना है तो आप देखो ये देखने में पासा कैसा नज़र आ रहा है बेटा तीन और चार सात तो बेटा ये डेफिनेटली ये पासा कैसा है जनरल डाइस है सामान्य पासा है ये पासा कैसा है सामान्य पासा है तो सामान्य पासा है तो बेटा किसके अपोजिट क्या होगा ये कैसे निकालोगे देखो तीन के अपोजिट दो नहीं हो सकता तीन के अपोजिट चार नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता हमको देखने पे ही नजर आ रहा है कि तीन की जुड़ी हुई सतह पर एक जगह दो लिखा है एक जगह चार तो जो जुड़ी हुई सतह पर लिखा है वो विपरीत सतह पर तो हो नहीं सकता ये तो फिक्स है तीन के अपोजिट दो नहीं हो सकता तीन के अपोजिट चार नहीं हो सकता तो बेटा फिर तीन के अपोजिट क्या हो सकता है बाकी के अंकों में से कोई भी हो सकता है क्योंकि और डीप में हमको जानकारी इस प्रश्न की है नहीं तो बेटा बाकी के अंक कौन कौन से हैं एक भी हो सकता है ठीक है पांच भी हो सकता है और छ भी हो सकता है तो जो तीन अंक देख रहे हैं इनके अलावा अंक कौन कौन से हैं एक पाँच छः तो तीन के अपोजिट इनमें से कोई भी अंक आ सकता है तो बेटा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा तो मानक पासे में तो हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि भाई अपोजिट सरफेस का नंबर क्या होगा लेकिन सामान्य पासे में हम ये एग्जैक्टली exactly नहीं बता सकते कि तीन के विपरीत क्या होगा किसी सरफेस के विपरीत में कौन से नंबर होंगे तो बेटा दो और चार के अलावा जो भी नंबर हैं वो तीन के अपोजिट आ सकते हैं अब आपको कि हमको तो एग्जैक्ट बताना है तो बेटा एग्जैक्ट बताने के लिए फिर उस पासे के और सैंपल होना जरूरी है और प्रतिरूप होना जरूरी है उस पासे को अलग अलग एंगल से देखने पर पासा जैसा नजर आता है उसको हम सैंपल बोलते हैं प्रतिरूप बोलते हैं ये एक पासे का एक ही सैंपल है ऐसे दो तीन सैंपल और मिल जाए तो फिर हम एग्जैक्टली exactly बता पाएंगे तीन के अपोजिट क्या होगा लेकिन फिलहाल एक ही सैंपल से और हमको समझ में आ रहा है कि पासा सामान्य है तो हम ये नहीं बता सकते कि तीन के अपोजिट क्या होगा ठीक है तो उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप अच्छी तरह से इस चीज़ को आप समझ गए होंगे इसमें आपको कोई स्थिति कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रश्न है वो हमारे कैसे होते हैं वो तीन प्रकार के आपको मिलेंगे तो बेटा पहला है एक पासे का प्रश्न जिसको हमने पढ़ लिया तो एक पासे का प्रश्न है तो हमको क्या देखना है कि जो पासा है वो सामान्य है या स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड है तो एग्जैक्ट हम बता सकते हैं अपोजिट क्या होगा लेकिन सामान्य है तो बचे हुए अंकों में से कोई भी उस सतह के विपरीत आ सकता है ठीक है अब बेटा आते हैं दो पासे पर अब दो पासे में तीन स्थितियां बनती हैं इसमें बेटा तीन पोजीशन बनती हैं तीन स्थितियां बनती हैं तो बारी बारी से हम तीनों स्थितियों को देखेंगे दो पासे में तीन स्थितियां बनती हैं तीन कौन कौन सी स्थिति होती हैं पहले हम उन स्थितियों को समझ लें और फिर हम बेटा आगे बढ़ते हैं तो अगर दो पासे हैं अगर बेटा दो पासे हैं तो आप समझना क्या हो सकता है अगर आपको दो पासे दे रखें अब हम दो पासे को डिटेल पढ़ने जा रहे हैं और ये बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट क्या ये पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा लॉजिक दो पासे में ही आ जाता है और दो पासे आपको क्लियर हो गए तो आप ये मान के चलना पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो गया अब दो पासे में बेटा क्या स्थिति हो सकती है कि तीन सतह हमको नज़र आ रही हैं ये बेटा सबसे पहले तो दो पासे नहीं है एक पासे के दो सैंपल हैं एक पासे को हम अलग अलग एंगल से देखते हैं तो ये पासा हमको ऐसा नजर आ रहा है ठीक है तो बेटा ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है कि हो सकता है बेटा एक दो तीन लिखा हो और यहाँ पर चार दो और पांच लिखा हो तो बेटा ऐसी स्थिति में आप देखो यहाँ पर तीन अंक लिखे हैं और यहाँ पर तीन अंक हैं तो बेटा ये कितने अंक कॉमन आ रहे हैं केवल एक अंक कॉमन आ रहा है तो बेटा इसमें एक अंक कॉमन आ रहा है आ रहा है एक अंक एक अंक कॉमन है यहां पर बेटा एक अंक कॉमन है ये बात समझ में आई आपको है हाँ ना तो यहां पर बेटा एक अंक कॉमन है ठीक है एक अंक कॉमन है बेटा ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर पासे ऐसे बने हों अगर पासे ऐसे बने हों और इस पर एक दो लिख दो और पांच लिख दो और यहां बेटा एक दो लिख दो और यहाँ छह लिख दो तो बेटा इस स्थिति में कितने अंक कॉमन है आप देखो एक एक भी कॉमन है यहाँ पर और दूसरा अंक भी कॉमन है तो बेटा यहाँ पर तो केवल एक ही अंक कॉमन था दो दो अब यहाँ पर एक एक भी कॉमन है दो दो भी तो बेटा यहाँ क्या बोलेंगे दो अंक कॉमन है यहाँ क्या बोलेंगे दो अंक कॉमन है तो बेटा एक स्थिति तो ये बनी कि एक डिजिट कॉमन हो जो नंबर हमको दिख रहे हैं जो प्रदर्शित अंक हैं जो प्रदर्शित अंक हैं जो नंबर हमको शो हो, हो रहे हैं उनमें से बेटा एक ही अंक कॉमन है पहली स्थिति में स्थिति नंबर वन है ये क्या है बेटा ये स्थिति नंबर एक है स्थिति एक है ये स्थिति दो है मैंने आपको बताया था बेटा तीन स्थिति बनती है इसमें इसमें स्थिति कितनी बनती है तीन तो पहली स्थिति में केवल एक अंक कॉमन है दूसरी स्थिति में हमारे दो अंक कॉमन है बेटा ऐसे ही हमारी तीसरी स्थिति भी बनती है तीसरी स्थिति बनती है और स्थिति तीन में बेटा क्या होता है मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं आप समझ जाना ठीक है और यहाँ पर एक छोटा सा डाइग्राम ये बना दिया जगह कम मैं, है तो मैंने बना दिया बेटा मान लो यहाँ लिखा है एक दो तीन और यहाँ चार पाँच छ तो बेटा एक दो तीन चार पाँच छ तो बेटा स्थिति तीन में तो कोई अंक कॉमन नहीं है तो कोई अंक कॉमन नहीं है कोई अंक कॉमन नहीं है कोई अंक कॉमन नहीं है ठीक है बेटा कोई भी अंक कॉमन नहीं है तो बेटा तीन स्थितियाँ हैं दो पासे में तीन स्थितियाँ हैं कौन कौन सी स्थितियाँ कि भैया एक अंक कॉमन हो पहली स्थिति दूसरी स्थिति में दो अंक कॉमन हो और तीसरी स्थिति में कोई भी अंक कॉमन नहीं हो एक चौथी स्थिति भी हो सकती है चौथी स्थिति क्या हो सकती है कि तीनों के तीनों अंक कॉमन हो अब तीनों के तीनों अंक अगर कॉमन है तो बेटा यहाँ एक दो तीन है यहाँ भी एक दो तीन है तो फिर बेटा वो दूसरा सैंपल नहीं हुआ वही का वही सैंपल आपने द्वारा बना दिया इसलिए उस स्थिति को लिखने का कोई तात्पर्य है ही नहीं कोई औचित्य नहीं है ठीक है ना तो आप समझ लिए जब हम दो पासे को पढ़ेंगे बेटा तीन स्थितियों को हमको देखना पड़ेगा पहली स्थिति जब एक अंक कॉमन हो दूसरी स्थिति जब दो अंक कॉमन हो और बेटा तीसरी स्थिति जब कोई भी अंक कॉमन ना हो तो याद रखना बेटा ये तीसरी जो स्थिति है ना ये बहुत भ्रम पैदा करती है बहुत कन्फ्यूजन पैदा करती है और बहुत सारे बच्चे इस तीसरी स्थिति को लेकर आंसर गलत भी कर देते हैं ठीक है बाकी जो पहली स्थिति है ये परफेक्ट स्थिति है ये परफेक्ट स्थिति होती है और बेटा अगर ये स्थिति आपको पासे में मिल रही है तो आप पासे का किसी भी प्रकार का कोई जवाब दे सकते हैं बेटा ये दूसरी स्थिति है ये परफेक्ट नहीं है बेटा आंशिक बोल सकते हैं इसको हम क्या बोल सकते हैं आंशिक बोल सकते हैं यानी पार्शियली ये सही है पार्शियली आंसर आ जाएंगे कुछ आंसर आ जाएंगे कुछ आंसर नहीं आएंगे पहली स्थिति से सभी आंसर आ जाएंगे दूसरी से कुछ के आंसर आएंगे कुछ के नहीं आएंगे और तीसरी स्थिति तो बड़ा बहुत कंफ्यूज करने वाली होती है जहाँ कोई भी अंक कॉमन नहीं होते तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि दो पासे की जब हम चर्चा करेंगे तो तीन स्थितियों को हमको समझना पड़ेगा जब कोई भी कॉमन ना हो जब एक कॉमन हो और जब दो कॉमन हो आप एक व्यवस्थित तरीके से अपना स्टडी मटेरियल तैयार कर लीजिए एक नोटबुक बनाइए मैं रीजनिंग के बहुत सारे चैप्टर अपने यूट्यूब चैनल पर इस पर पढ़ा रहा हूँ तो आप क्या कीजिए आप रजिस्टर मेंटेन कीजिए बढ़िया तरीके से थ्योरी थ्योरी हमारी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना हमारा कन्फ्यूजन कम होगा नहीं तो पासे के चैप्टर में बहुत कन्फ्यूजन होता है ठीक है तो थ्योरी को स्ट्रोंग कर लीजिए नोमेरिकल प्रैक्टिस हम अपने लास्ट वीडियो में करेंगे तो वहाँ परफेक्ट आपकी स्थिति आ जाएगी कोई भी क्वेश्चन कैसा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो आप तुरंत उसका सही आंसर दे दोगे बस ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए मेरा थ्योरी पर बहुत जोर रहेगा ठीक है तो दो पासे को मैं बेटा तीन स्थितियां होती हैं जब एक अंक कॉमन हो जब दो अंक कॉमन हो और जब तीन अंक कॉमन हो ठीक है बेटा चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेटा सबसे पहले हम देखते हैं स्थिति नंबर एक को फिर हम देखेंगे स्थिति नंबर दो को और फिर देखेंगे हम स्थिति नंबर तीन को और फिर इनके हम कुछ मिक्स क्वेश्चन करेंगे ठीक है तो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं स्थिति नंबर एक को जब एक पासे में बेटा केवल एक ही कॉमन हो, तो बेटा दो पासे हम पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं टू डाइस दो पासे, और इसमें बेटा हम क्या ले रहे हैं स्थिति नंबर वन स्थिति नंबर वन स्थिति वन को हम ले रहे हैं ठीक है पोजिशन वन को ले रहे हैं बेटा और पोजिशन वन में मैंने बताया था कि केवल बेटा एक अंक कॉमन होगा केवल एक अंक कॉमन होगा स्थिति दो में केवल दो अंक कॉमन होंगे और स्थिति तीन में बेटा कोई भी अंक कॉमन नहीं होगा ठीक है जैसे बेटा मैंने लिख दिया ये एक पासा मैंने बना दिया ये मैंने एक पासा बना दिया मन से ये मैंने पासा बना दिया ठीक है अब मैंने बेटा इस पर लिख दिया एक दो और तीन मैंने क्या लिख दिया इस पर एक दो और तीन देखो इसकी डेप्थ में भी हम जाएंगे इसकी बहुत गहराई में हम जाएंगे लेकिन पहले एक हम फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं चीज़ों को प्रथम दृष्टि में हम कैसे समझ जाएं, वो हम कोशिश कर रहे हैं फिर इसकी बहुत डेप्थ में जाऊंगा, जैसे मैंने बेटा लिख दिया एक दो तीन और अगले सरफेस पर लिख दिया एक दो एक, आ, इस पर लिख देता हूँ मैं दो एक और बेटा लिख दिया मैंने पाँच दो एक पाँच लिख दिया मैंने ठीक है तो बेटा एक दो तीन लिख दिया और दो एक पाँच लिख दिया तो बेटा क्या होता है जब एक पासे के है ना कुछ चीज़ों को रटेंगे रट के समझेंगे समझ के रटेंगे दोनों चीज़ें हम करेंगे जिससे हमारी स्पीड बढ़ेगी जब एक पास्य में सबसे पहले बेटा यहाँ क्या है एक अंक सॉरी एक अंक कॉमन वाला लेना था हमको है ना हमको लेना था एक अंक कॉमन फिर हमको लेना था दो अंक कॉमन है ना तो हमने दो अंक कॉमन ले लिया अभी तो हम एक अंक कॉमन को लेंगे पहले हम एक अंक कॉमन को ले रहे हैं बेटा एक ही अंक कॉमन हो तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया एक यहाँ लिख दिया दो और यहाँ लिख दिया तीन बेटा यहाँ लिख दिया मैंने एक यहाँ लिख दिया हमने चार और यहाँ लिख दिया हमने पाँच ठीक है 5, तो आप गौर से देखिए इस पासे में आपको कितने अंक कॉमन आ रहे हैं बेटा एक कॉमन आ रहा है एक यहाँ पर कॉमन है तो आपको जो प्रदर्शित अंक हैं उनमें से एक अंक कॉमन है है ना तो एक अंक कॉमन है एक अंक कॉमन है एक अंक बेटा कॉमन है ठीक है तो एक अंक कॉमन है जो प्रदर्शित पासे हैं उसमें एक अंक कॉमन है बेटा ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर टॉप सरफेस पे एक है यहां भी टॉप सरफेस पे एक है ठीक है अब बेटा ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हमारा पैसा ऐसा बन रहा है हमारा पैसा ऐसा बन रहा है यहां पर तो समान सतह पर हमने कॉमन नंबर को लिख दिया यहां पर तो हमने समान सतह पर हमने कॉमन को लिख दिया अब मान लो बेटा मैं यहां एक लिख देता हूं या दो लिख देता हूँ या तीन ले लेता हूँ लेकिन यहाँ मैं एक ले लेता हूँ यहाँ चार और यहाँ मैं पांच ले लेता हूँ तो बेटा इस स्थिति में भी आप देखो कि एक ही तो अंक कॉमन है एक ही अंक तो, तो कॉमन है लेकिन इस बार सतह हमारी बदल गई पहले केस में बेटा पहले केस में जो कॉमन अंक है वो समान सतह में है और दूसरे केस में जो कॉमन अंक है उनकी सतह अलग अलग हो गई है ना सतह अलग अलग कैसे हो गई बेटा इसको बोलते हैं फ्रंट सरफेस इसको साइड सरफेस और इसको अपर सरफेस तो यहाँ अपर सरफेस पे एक इसमें भी अपर सरफेस पे एक ठीक है लेकिन इसमें बेटा अपर सरफेस पे एक और इसमें फ्रंट सरफेस पे एक है ना बड़ी बारीक बारीक चीज़ें बता रहा हूँ आपको धीरे धीरे बहुत गहराई तक आपको ले जाऊंगा और आपने इतना क्लियर पासा नहीं पढ़ा होगा अभी तक जितना क्लियर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ थोड़ा वक्त लगता है मैं जब पढ़ाता हूँ चीज़ों को तो डीप में पढ़ाता हूँ थोड़ा समय में ज़्यादा ले लेता हूँ लेकिन आपको पढ़ाऊँगा ऐसे कि आपको कहीं भी बाल बराबर भी कन्फ्यूज़न ना रहे तो बेटा यहाँ पर समान सतह पर एक अंक कॉमन है यहाँ असमान सतह पर एक अंक कॉमन है ये ऊपर ये अपर सरफेस है और ये फ्रंट सरफेस है कोई बात अब बेटा इस स्थिति में क्या होगा होता क्या है कि होता क्या है कि जो कॉमन अंक है ना उसको आप देखो अब यहां से बेटा अगर सतह समान है तो शेष समान सतह के अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं मैं क्या बोल रहा हूं यदि दो पासों में मेरे शब्दों पर ध्यान देना और उन शब्दों को अपने आप कॉपी में नोट कर लेना मैं क्या बोल रहा हूँ जब दो पासे में एक ही अंक कॉमन हो और वो कॉमन अंक भी सेम सरफेस पर हो जैसे बेटा इस केस में हो रहा है तो शेष समान सतह के अंक बेटा एक दूसरे के विपरीत तो होते हैं जैसे बेटा शेष समान सतह यानी फ्रंट सरफेस पर दो है और फ्रंट सरफेस पर चार है तो बेटा दो के अपोजिट क्या होगा दो के अपोजिट होगा चार बेटा साइड वाली सरफेस पे तीन है और यहाँ साइड वाली सरफेस पे पांच है तो तीन के क्या होगा? पांच ठीक है अब बचा एक और एक तो बेटा एक के अपोजिट बचा हुआ क्या है खे? तो बेटा फिर एक के अपोजिट क्या होगा खे. बात समझ में आई ये कब जब एक ही अंक कॉमन हो और समान सतह पर हो तो ऐसी स्थिति में शेष समान सतह के अंक एक दूसरे के विपरीत फलक पर होते हैं बेटा इन चीज़ों को आप नोट करते जाना जो मैं वर्वली बोल रहा हूँ उनको आप नोट करते जाना आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे लेकिन बेटा दूसरी स्थिति में तो ऐसा नहीं हो रहा दूसरी स्थिति में तो बात, बात अलग हो गई देखो यहाँ बेटा फ्रंट सरफेस पे एक है लेकिन यहाँ अपर सरफेस पे एक है अब इसमें क्या करना है या तो बेटा पासा हमको रोटेट करना पड़ेगा है ना रोटेट करके हम ऐसा कर लें कि इस एक को ऊपर वाली सरफेस पर ले आएँ या बेटा एक शॉर्टकट होता है इसका शॉर्टकट आप समझ लेना वो ज़्यादा अच्छा है जो बेटा कॉमन नंबर है ना उसको आप लिख लो कॉमन नंबर को आपने लिख लिया कॉमन नंबर क्या है एक है अब दोनों पासे में बारी बारी से या तो आपको कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज चलना है पहले पासे में क्लॉक वाइज चलोगे तो दूसरे में भी क्लॉक वाइज चलना पड़ेगा या एंटी क्लॉक वाइज चलना है पहले पासे से एंटी क्लॉक वाइज चलोगे तो दूसरे पासे से भी एंटी क्लॉक वाइज आपको चलना है तो हम क्लॉक वाइज चलते हैं ठीक है तो बेटा पहले पासे से हम क्लॉक वाइज चले तो पहले तीन पर आएंगे और फिर दो पर आएंगे तो बेटा पहले तीन पर आएंगे और फिर हम कहाँ आएंगे फिर हम आएंगे दो पर ठीक है तो बेटा क्लॉक वाइज हम जा रहे हैं क्लॉक वाइज हम जा रहे हैं तो पहले तीन लिख लो और फिर लिख लो दो दूसरे पासे में भी हम यही कार्रवाई करते हैं जो कॉमन नंबर से हम क्लॉक वाइज चले तो यहाँ भी क्लॉक वाइज चले यहाँ पाँच आएगा और यहाँ क्या आएगा चार आएगा तो बेटा यहाँ पाँच लिख लो और यहाँ लिख लो चार ठीक है तो एक पहले पासे में चले और दूसरे पासे में चले तो पहले पासे में क्लॉक वाइज चले एक से कॉमन नंबर से तो पहले तीन मिला फिर दो और इसमें चले तो पहले पाँच मिला फिर चार तो बेटा स्थिति ये बनेगी कि तीन के अपोजिट पाँच होगा देखिए दो के अपोजिट चार होगा और बच रहा है एक और बच रहा है छः एक तो दिख रहा है छिपा हुआ है नहीं दिख रहा तो बेटा फिर जो एक है ना जो एक है उसके अपोजिट क्या होगा बचा हुआ छः होगा बात समझ में आई आप इस पासे को भी इस दृष्टि से देख सकते थे कि एक से एंटी क्लॉक एक से क्लॉक वाइज चले तो पहले तीन दो तीन दो और एक के कलॉग वाइज तो पाँच चार तो पाँच के अपोजिट तीन चार के अपोजिट दो बचा एक के अपोजिट छः तो बेटा ये वन कॉमन अगर है एक कॉमन है तो बेटा क्या करते हैं हम क्या करते हैं कॉमन नंबर को देखते हैं और कॉनम कॉमन नंबर से या तो क्लॉक जाते हैं या एंटी क्लॉक जाते हैं या तो कॉमन जाते हैं या एंटी क्लॉक जाते हैं इसमें कॉमन क्लॉक जा रहे हैं तो इसमें भी क्लॉक जा रहे हैं इसमें एंटी क्लॉक जाएंगे तो बेटा इसमें भी एंटी क्लॉक जाएंगे तो अपोजिट नंबर क्या क्या हैं ये हमको पता लग जाएगा ठीक है तो बेटा इतना तसली से हमने पढ़ा है कि उम्मीद करता हूँ कि आपको बेटा ये बात समझ में आ गई होगी इसके अलावा भी कई गहरी गहरी बातें हैं वो हम समझने का प्रयास करेंगे अभी बहुत गहरी गहरी बातें हैं है ना तो इसमें बेटा कोई दिक्कत किसी को मुझे लगता है किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए चलो तो बेटा आगे बढ़ें और ज़रा हम देखें एक कॉमन की स्थिति में और क्या क्या हो सकता है ठीक है अगला पेज लेते हैं अगर हम पहले दो कॉमन को और समझ लें पहले हम दो कॉमन को और समझ लें फिर हम इनके मिक्स क्वेश्चन को करेंगे ठीक है जैसे मैंने लिख दिया बेटा एक और दो और तीन एक दो तीन और यहाँ लिख दिया दो चार पाँच ये मैंने स्थिति लिख दी ये मैंने एक ये हमारा पहला पासा है सैंपल है ये हमारा उसी पासे का दूसरा सैंपल है ठीक है मैंने लिख दिया एक दो तीन और दो चार पाँच अब बेटा किसके अपोजिट क्या होगा हमको बताना है किसके अपोजिट क्या होगा ठीक है तो हम क्या देखेंगे हम देखेंगे बेटा इसमें कॉमन नंबर कौन से हैं और कॉमन नंबर हमारे कौन से हैं पिछले क्वेश्चन की तरह ही तो बेटा कॉमन नंबर हमारा यहाँ दो है और इसमें भी बेटा कॉमन नंबर हमारा दो है बाकी पाँच चार तीन एक कुछ भी कॉमन हमको नज़र नहीं आ रहा ठीक है अब यहाँ मानक अमानक का कंसेप्ट मत लगाना मानक अमानक का कंसेप्ट हमको केवल लगाना है एक पासे में ये गलती हो जाती है आप सोचने बैठ जाओ सर ये पाँच हो दो सात है ही तो मानक है तो यहाँ मानक अमानक का कंसेप्ट बिल्कुल मत लगाना मानक अमानक का स्टैंडर्ड नॉर्मल का कंसेप्ट हमको सिंगल डाइस में बताना है एक ही पासे में हमको लगाना है या दो पासे हैं तो बेटा ये नहीं करना तो बेटा दो हो गया अब आप दो को लिख लीजिए और दोनों ही पासे में दो से या तो क्लॉक चलिए या दोनों में एंटी क्लॉक चलिए हम बेटा अगर क्लॉक चलें तो दो से तीन मिलेगा तीन से एक तो पहले तीन मिलेगा और फिर एक मिलेगा दूसरे पासे में अगर बेटा हम दो से चलेंगे तो पहले चार मिलेगा और फिर पांच मिलेगा तो पहले चार मिलेगा और फिर पांच मिलेगा तो हम बोल सकते हैं कि तीन के अपोजिट क्या हो गया चार और बेटा एक के अपोजिट क्या हो गया पांच तो बचा क्या छः। तो बचा छ के अपोजिट होगा दो के अपोजिट क्या होगा छ तो बेटा ऐसा करते हो तो फिर हमको इसको रोटेट नहीं करना पड़ेगा पासे को पुस्तकों में किताबों में एक विधि दी जाती है घूर्णन विधि तो घूर्णन विधि की हमको आवश्यकता नहीं है केवल कॉमन नंबर को मार्क करके हम उससे क्लॉकवाइज चलें तो क्लॉक वाइज चलेंगे तो तीन एक फिर यहाँ से क्लॉक वाइज चलेंगे तो चार पाँच तो तीन के अपोजिट चार एक के अपोजिट पाँच तो बचा हुआ छः किसके अपोजिट होगा बचे हुए दो के अपोजिट होगा ठीक है अब बेटा जरूरी नहीं है ज़रूरी नहीं है कि आपको नंबर्स दिए जाएं है ना जरूरी नहीं है अगर आपको नंबर दिए जाएं हो सकता है बेटा इसकी जगह आपको अल्फाबेट्स भी दे दिए जाएं चलो तो देखें बेटा जरा अगर अल्फाबेट दिए हैं तो क्या होगा अगर अल्फाबेट दिए हैं तो क्या होगा जैसे मैंने ये पासा बना दिया आपका ये पासा बना दिया बेटा ठीक है और यहाँ पे लिख दिया ए बी और एफ़ अल्फ़ाबेट लिख दिए अब अल्फ़ाबेट लिख दिए तो बेटा फिर मानक अमानक का तो कंसेट कंसेप्ट ही फेल हो गया यहाँ तो है ना इसीलिए मैं आपको बोला था कि यहाँ मानक अमानक लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है तो ए बी एफ और ए सी डी तो बेटा यहाँ कॉमन क्या है ये देखो यहाँ पर कॉमन क्या है तो कॉमन क्या नज़र आ रहा है आपको ए और ए भाई एक एक सत ए कॉमन आ रहा है ए के अलावा सब बी और एफ सी ओ डी अलग अलग हैं तो बेटा किसके अपोजिट क्या होगा ये हम निकालने जाएं तो बेटा ए को लिखो और ए के से हम कैसे चलें या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपकी मर्जी है आपको कैसे जाना है क्लॉक या एंटी क्लॉक अगर बेटा हम क्लॉक चलते हैं तो बी मिलेगा देन एफ ए से बी बी से एफ तो हमने बी लिख लिया फिर हमने एफ भी लिख लिया और इसमें बेटा क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले सी और फिर डी घड़ी की दिशा में चलेंगे तो पहले सी टकराएगा फिर डी तो बेटा पहले सी मिलेगा तो यहाँ सी लिख लो फिर डी तो फिर यहाँ पर डी लिख लो तो बेटा बी के अपोजिट सी होगा एफ के अपोजिट डी होगा अच्छा ए बी सी डी ई ई भी आना चाहिए इसमें नज़र नहीं आ रहा है है ना तो अगर ई e है तो बेटा फिर ए के अपोजिट क्या होगा ई e होगा ए के अपोजिट क्या होगा ई e होगा बेटा उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ गई होगी इसमें कहीं कोई समस्या नहीं रही होगी तो अगर एक पासे के दो सैंपल में एक अंक कॉमन है है ना तो बेटा किसके अपोजिट क्या होगा ये कैसे निकाला जाता है ये तरीका मैंने आपको अच्छे से समझा दिया ठीक है बेटा चलो तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन ठीक है अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जैसे एक दो, और दो तीन पाँच दो तीन पाँच जैसे मैंने ये नंबर लिख दिया दो तीन पाँच ठीक है अब लेकिन बेटा इसमें मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ है ना अब मैं आपको इसमें ऑप्शन दे रहा हूँ है ना यहाँ पर ऑप्शन दे रहा हूँ और ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर देना है ये हमारा पहला ऑप्शन आपको डिफिकल्टी के उस लेवल तक ले जाऊंगा इस चैप्टर में जो कि कांस्टेबल से लेके यूपीएससी तक कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो वहां आपको उस लेवल का क्वेश्चन आपकी ग्रिप में रहे छूटे नहीं है ना तो सारे डिफ़िकल्टी लेवल आपको मैं कराऊंगा ये ए ये बी ये सी और वैसे भी बेटा सी सेट अगर आप देखते हो सी सेट में रीजनिंग का डिफ़िकल्टी लेवल बहुत अच्छा रहता है तो बेटा मैंने यहाँ लिख दिया दो चार और यहाँ पर छः यहाँ पर बेटा मैंने लिख दिया तीन छः और एक फिर मैंने लिख दिया एक तीन और पाँच एक तीन और पाँच और आखिरी ऑप्शन है चार पाँच और तीन ठीक है बेटा ये चार ऑप्शन मैंने दिए हैं अब आप ध्यान से इसको देखो और बताना है आपको कि विच ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन कौन सा बेटा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन आपका गलत है ठीक है कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है आराम से मैं आपको बिल्कुल तीस चालीस सेकेंड का सोचने के लिए टाइम दे रहा हूं बताइए आप क्या होगा ठीक है तो बेटा पासे का कोई भी क्वेश्चन हो बंद पासे का ये खुले पासे का कोई भी क्वेश्चन हो हमेशा दिमाग में रखना कि सबसे पहला काम हमको क्या करना है हमको ये पता लगाना होता है कि किस सतह के विपरीत क्या है किसके अपोजिट क्या है किसके विपरीत क्या है कोई भी क्वेश्चन हो पूरे डाइस की बता रहा हूं हर क्वेश्चन में हमको एक ही काम करना है तो सबसे पहले इस पासे में हमको देखना है कि कितने नंबर कॉमन है बेटा एक नंबर ये कॉमन है और एक नंबर ये कॉमन है ठीक है एक नंबर ये कॉमन बाकी एक छः अलग तीन पाँच अलग ठीक है अब बेटा हम देखते हैं किसके अपोजिट क्या होगा तो बेटा दो के अपोजिट दो कॉमन है दो लिख दिया मैंने अब बेटा क्लॉकवाइज जाएंगे तो पहले छः मिलेगा फिर एक मिलेगा तो मैंने छः लिख दिया और फिर मैंने एक लिख दिया अच्छा दूसरे पास में दो से हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले बेटा तीन मिलेगा और फिर पाँच मिलेगा पहले तीन और फिर पाँच बच क्या रहा है बेटा चार चार नहीं दिख रहा है इसमें हमको तो फिर इसका मतलब दो के अपोजिट क्या आएगा चार तो बेटा छः के अपोजिट तीन आ रहा है एक के अपोजिट पाँच आ रहा है और दो के अपोजिट चार आ रहा है ठीक है ठीक है अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं जो मैं शुरुआत में हल्के से आपको बोल गया था शायद आपका फोकस ना गया हो उस पर लेकिन अब इसको आप अपनी नोटबुक में इन्वर्टेड फोमा में बड़े फॉन्ट साइज में लिख लेना बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना क्योंकि तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत काम की बात है बेटा जो विपरीत अंक होते हैं ना जैसे दो और चार विपरीत हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं छः तीन एक दूसरे के अपोजिट हैं एक पाँच अपोज अपोजिट हैं एक दूसरे के तो मैंने बताया था आपको कि किसी भी पासे में जो विपरीत सतह है वो एक साथ नहीं दिखती तो आप क्या लिखने वाले हो नोटबुक में बड़े बड़े मोटे शब्दों में कि विपरीत अंक विपरीत अंक या विपरीत अल्फाबेट जो भी है विपरीत सतह के अंक या विपरीत सतह के अल्फाबेट ना तो बेटा एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छुप सकते हैं बेटा अगर कोई ऐसा पासा आ गया जिसमें दो और चार एक साथ दिख रहे हैं तो वो भी निश्चित रूप से गलत हो जाएगा और कोई ऐसा पासा आ गया जिसमें दो और चार में से बेटा कोई भी नजर नहीं आ रहा वो भी संभव नहीं है विपरीत सतह में से बेटा एक सतह तो नजर आएगी जैसे आप कोई भी पासा देख लो बेटा इसके विपरीत सतह नजर आ रही है नहीं आ रही इसके विपरीत सतह नजर आ रही है नहीं आ रही इसके विपरीत सतह नजर आ रही है नहीं आ रही तो बेटा विपरीत सतह में ना तो दोनों सतह एक साथ छुप सकती हैं और ना ही वो एक साथ दिख सकती हैं बेटा इस लाइन को मोटे मोटे शब्दों में बिल्कुल 25 साइज़ में लिख ना बड़े शब्दों में क्या कि विपरीत के अंक लिखो विपरीत सतह के अंक ना तो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छुप सकते हैं ना एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छुप सकते हैं चलो इतना लिखने के बाद अब हम एनालिसिस कर रहे हैं इस क्वेश्चन का कि बेटा इनमें से कौन सा आंसर आपका हो सकता है तो बेटा एक चीज देखो जो पहला था हमारा जो हमारा पहला था उसमें बेटा दो और चार अपोजिट हैं लेकिन इसमें दो और चार एक साथ दिख रहे हैं बेटा ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि दो और चार ये विपरीत थे ये बेटा एक साथ नज़र कैसे आ गए एक साथ नज़र आ ही नहीं सकते इनमें से तो कोई एक नजर आना चाहिए था ठीक है अब बेटा दूसरे पर आ जाओ तीन और छः विपरीत हैं बेटा तीन और छ विपरीत हैं या तो ये एक साथ नज़र आ रहे हैं बेटा ये भी पॉसिबल नहीं है या तो तीन दिखेगा या छः दिखेगा एक साथ कैसे नजर आ जाएंगे बेटा आप तीसरा पासा देखो बेटा इसमें एक और पांच एक और पांच अपोजिट हैं और बेटा इसमें भी एक और पाँच साथ दिख रहे हैं तो बेटा ये भी गलत हो गया है ना जो विपरीत हैं वो ना तो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छुप सकते हैं तो इनमें तो बेटा एक साथ दिख रहे हैं तो फिर बचा डी ही सही होना चाहिए डी में आप देखो दो चार में से केवल चार दिख रहा है छह तीन में से केवल तीन दिख रहा है एक पांच में से केवल पांच दिख रहा है तो बेटा डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो गया तो बेटा डी ऑप्शन जो हुआ ये क्या हुआ हमारा राइट ऑप्शन हुआ बेटा ये बात समझ में आई आपको क्लियर हुआ ठीक है तो इसको अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से बेटा इसको उतार लीजिए ठीक है अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर इसी पैटर्न के अगले क्वेश्चन पर तो बेटा अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है हम दो पासे पढ़ रहे हैं और दो पासे में बेटा वन कॉमन वाली स्थिति को पढ़ रहे हैं है ना एक अंक कॉमन वाली स्थिति को हम पढ़ रहे हैं फिर हम दो अंक कॉमन पढ़ेंगे फिर एक भी अंक कॉमन नहीं है वो भी पढ़ेंगे तो बेटा यहाँ लिखा हुआ है ई ए और एफ यहाँ क्या लिखा है ई एफ और यहाँ लिखा है सी एफ और डी ये हमारा बेटा क्वेश्चन है अब बेटा चार पासे दिए जाएंगे और कौन सा पासा राइट होगा बेटा ये आपको बताना है ठीक है तो पहला डायग्राम हमारा ये बन रहा है तो ये ए ऑप्शन है ये बी ऑप्शन है ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है ठीक है चलिए तो बेटा यहाँ पर लिखते हैं डी बी और एफ फिर डी बी और सी फिर लिखते हैं ए बी सी ए बी और सी और फिर लिखते हैं डी एफ चलो तो बेटा ये चार पासे मैंने बना दिए और आपको तसल्ली से समझने के लिए मैं आपको तीस सेकेंड चालीस सेकेंड का टाइम देता हूँ और आप सोचिए और सबसे पहले मैंने बताया था कि डाइस में बेटा क्वेश्चन कोई भी हो कोई भी क्वेश्चन हो डाइस में हमको सबसे पहले क्या देखना होता है कि अपोजिट सरफेस पर क्या क्या है अपोजिट सरफेस पे क्या क्या है उसके बाद हम क्वेश्चन की बात कर सकते हैं ठीक है थीके? तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि कॉमन कितनी सरफेस है, है ना तो बेटा इस क्वेश्चन में ए ई एफ और सी एफ डी केवल बेटा एफ कॉमन है केवल कॉमन क्या है एफ एक ही सतह कॉमन है बाकी तो अलग अलग है तो बेटा एक सतह कॉमन है तो हमको पता लग जाता है सारी सतह की अपोजिट पोजिशन हमको पता लग जाती है ठीक है बेस्ट हमारी यही रहता है कि एक कॉमन हमको मिल जाए ठीक है तो बेटा एफ लिखते हैं एफ लिखते हैं अच्छा क्लॉकवाइज चलें आप एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हो मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं तो बेटा एफ के बाद ए ए के बाद ई e. तो पहले ए और फिर ई सेकेंड फिगर में बेटा एफ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले सी एंड डी तो पहले सी और डी ऑप्शन को देख के हमको समझ में आ रहा है कि बी भी है इसमें बी नजर नहीं आ रहा तो बचा हुआ बी किसके अपोजिट होगा एफ के अपोजिट होगा तो बेटा सी और डी अपोजिट हो गए ए और सी अपोजिट हो गए एफ और बी अपोजिट हो गए ठीक है अब हम ऑप्शन एनालिसिस पर आ जाते हैं कि कौन से ऑप्शन राइट हैं याद रखिए है। मैंने आपको बोला था कि अपोजिट सरफेस पर जो अल्फाबेट्स हैं जो सिंबल हैं जो नंबर्स हैं वो ना तो एक साथ दिखेंगे ना एक साथ छुपेंगे ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों दिख जाएं दोनों दिख जाएं दोनों दिख जाएं ठीक है चलिए तो बेटा आप देखते हैं क्या हो सकता है कि बी डी एफ तो बेटा बी डी एफ में आप देखो बी और एफ एक दूसरे के अपोजिट हैं बी और एफ एक दूसरे के अपोजिट हैं और यहाँ पर बी ऑफ एफ सात नजर आ रहे हैं तो बेटा ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया दूसरे में आ जाओ बेटा डी बी सी अब बेटा डी बी सी ये हो सकता है देखो तो बेटा डी बी सी अलग अलग के अपोजिट हैं, ये बेटा संभावना प्रबल है इसकी संभावना प्रबल है आगे चेक करते हैं ए बी सी तो बेटा ए बी सी तो ए सी अपोजिट है और यहाँ ए सी आ गए तो बेटा ये भी नहीं हो सकता है ना अपोजिट है अब ई डी एफ तो ई डी बेटा अपोजिट है और ई e, डी यहाँ भी आ गया तो बेटा ये भी नहीं हो सकता तो बेटा बी ऑप्शन हमारा राइट right ऑप्शन हो गया हमारा आंसर क्या हो गया बी ऑप्शन हमारा राइट right ऑप्शन हो गया क्लियर है बेटा ठीक है क्लियर है तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं आपको चलिए तो एक क्वेश्चन आज हम ऐसा और देखेंगे और कल की क्लास में फिर इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे आज की क्लास में बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं और बेटा वो क्वेश्चन हमारा क्या है वो क्वेश्चन हमारा कि अच्छा तीन पास से या तीन से अधिक पास से कोई स्पेशल केस नहीं होता उसमें दो पास से के ही केस आ जाते हैं तो वो दो या दो से अधिक दो पासे तक तो ठीक है टेक्निक्स हैं लेकिन तीन या तीन से अधिक पासे में कोई टेक्निक नहीं होती इसलिए मैंने आपको एक सीधे तीन पासे का क्वेश्चन दे दिया तो बेटा एक दो तीन और तीन चार पाँच तीन चार पाँच और दो तीन और दो तीन और, और बेटा क्वेश्चन मार्क ये हमारा क्वेश्चन है अब दो तीन के बाद बेटा क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो ये क्या होगा ये हमको बताना है यहाँ से बेटा हम एक अलग लेवल पर जा रहे हैं इस क्वेश्चन से हम एक अलग लेवल पर जा रहे हैं और कल की जो हम क्लास शुरू करेंगे वो इसी लेवल से चालू करेंगे ठीक है तो कल की क्लास बेटा इसी लेवल से चालू होगी है ना तो आज की क्लास को बेटा इस क्वेश्चन के साथ मैं पेंडिंग कर देता हूँ हाँ आपको ऑप्शन जरूर दूंगा ऑप्शन जरूर दूंगा एक और कल की क्लास हम इसी क्वेश्चन से चालू करेंगे चार पाँच और डी हमारा छ तो एक तीन एक चार पाँच छः एक चार पाँच छः तो बेटा ये आपके लिए होमवर्क हो गया और यहाँ से हम एक अलग लेवल को छूने वाले हैं एक और डेप्थ में हम जाने वाले हैं तो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं दो पासे में एक एक सरफेस कॉमन है और उसमें हम डेप्थ में जाते जा रहे हैं ठीक है बेटा तो आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे और फिर हम कल इससे बेटा आगे के लेवल पर जाएंगे कल हम इससे आगे के लेवल पर जाएंगे ठीक है चलिए तो आज थोड़ा सा मैं आपको अनकेडमी के बारे में फाइनली बता देता हूँ कि ये भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है हम भारत के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं और बेटा यहाँ पर <coughs> 24 महीने का अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो चार महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर तीन महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा ठीक है बेटा और एक फ्री कोर्स होता है एक प्लस कोर्स होता है बेटा प्लस कोर्स में क्या होता है हम अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग स्पेसिफिक बैच में पढ़ते हैं और मध्य प्रदेश के जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनके द्वारा हम पढ़, हम हम पढ़ सकते हैं इसमें अनलिमिटेड मॉक टेस्ट होते हैं अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स होते हैं एवरी सेशंस के डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं टॉप एजुकेटर्स के द्वारा एमपीपीएससी मेंस मॉक टेस्ट विद फुल पेपर होते हैं बैच कोर्स कवरिंग वेरियस एम पी एग्जाम एम पी पी एस सी मीन्स आंसर राइटिंग बैच टू थाउजेंड प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन ठीक है बेटा और बेनिफिट ऑफ सब्सक्रिप्शन को देख लें लर्न फ्रॉम योर फेवरेट टीचर थ्रू लाइव क्लास हम अपने मनपसंद के शिक्षक से लाइव क्लास के माध्यम से पढ़ सकते हैं स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होती है डिफरेंट बैच कोर्स होते हैं फॉर डिफरेंट एग्जाम डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं इंट्रेक्टिव पोल कमेंट क्विज होती है वन सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल एजुकेटर्स एंड कोर्स एंड कैटेगरी डाउनलोड द वीडियो एंड वॉच ऑफलाइन ये इंपॉर्टेंट बात है कि हम वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफलाइन भी बेटा पढ़ सकते हैं ठीक है यहाँ पर एम पी पी एस सी प्रिम्स के लिए एक बेटा मॉक टेस्ट होता है जिसमें शुरू के टॉप हंड्रेड स्टूडेंट को फिफ्टी परसेंट तक का डिस्काउंट दिया जाता है एक साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर तो बेटा शुरू के तीन जो टॉपर होते हैं उनको फिफ्टी परसेंट का डिस्काउंट उसके बाद चार से हंड्रेड तक के जो टॉपर हैं उनको बेटा ट्वेंटी फाइव परसेंट का डिस्काउंट होता है अभी बेटा छब्बीस सितंबर को ये मॉक टेस्ट हुआ था ठीक है बेटा चलो बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आप फीस की चर्चा करें अगर आप बेटा 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो कि पर्याप्त है पूना भी 24 महीने का चाहिए इसमें चौबीस महीने का सब्सक्रिप्शन है चार महीने तो आपको फ्री रहे हैं अभी स्कीम चल रही है मतलब अट्ठाईस महीने के लिए हो जाएगा तो बेटा चौबीस महीने के हिसाब से अगर कर कैलकुलेट करें तो हमारी फ़ीस आती है छः सौ पर मंथ अगर अट्ठाईस महीने के हिसाब से करोगे तो फीस और कम हो जाएगी इस छः सौ पर मंथ में हम मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश जी एस, हिंदी जितने भी सेक्शंस होते हैं एग्जाम के सारे के सारे पढ़ेंगे मात्र छः सौ रुपये पर मंथ में सारे के सारे सेक्शंस पढ़ेंगे और ओवरऑल फीस किसकी कितनी होगी चौदह हज़ार चार सौ बेटा ये कब होगी ये टेन परसेंट का डिस्काउंट काटने के बाद और डिस्काउंट आपको कब मिलेगा जब आप मेरा रेफरल कोड अभय एस लाइव अभी मैं लिख के बता दूंगा वो आप लगाएंगे बारह महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो नौ हज़ार नौ सौ रुपये टेन परसेंट डिस्काउंट के बाद फीस है नौ हज़ार नौ सौ और आठ सौ रुपए पर मंथ आपको पड़ेगा बेटा जैसे जैसे ड्यूरेशन कम करोगे वैसे बेटा आपको वैसे वैसे, वैसे फीस ज्यादा लगेगी मेरा रेफरल कोड है अभय एस लाइव अभय एस लाइव ये मेरा रेफरल कोड है इसका आप यूज करेंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन फीस में टेन परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा तो ठीक है बेटा आज हमने शुरू किया है डाइस पासा और आज हमने इसकी पहली क्लास ली हम इसकी चार पांच क्लास लेंगे और पूरा चैप्टर बहुत तसल्ली से हम पूरा करेंगे ठीक है बेटा तो आज इतना ही फिर कल मिलेंगे एक नए डाइस पार्ट टू के साथ उसमें नए कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे नमस्कार